पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। हम जारी रखेंगे हमारा लेसन नंबर 40, चार रथों की पढ़ाई। चार रथों की पढ़ाई में गहराई से ध्यान करते हुए हमने पिछले हफ्ते क्या देखा कि ये जो दर्शन जकरिया भविष्यवक्ता ने देखा, ये दर्शन दो पहाड़ों के बीच में से निकलते चार रथों के बारे में है। तो दो पहाड़ मतलब दो राज्य, आदम का राज्य और प्रभु यीशु मसीह का राज्य। उसके बीच में चार तरह के लोग परमेश्वर ने, जो चार तरह के लोगों को या चार ग्रुप बनाए, ये दर्शाता है ये रथों का दर्शन। तो पहला जो रथ, उसमें हमने देखा घोड़े कौन से घोड़े थे, लाल रंग के, राइट। और लाल रंग के घोड़े हमने देखा क्या दर्शाते हैं, बुजुर्ग जिनकी गवाही बाइबल में है, आबेल से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक जितने भी परमेश्वर के वफादार लोग हुए हैं, आबिल, हनूक, अय्यूब, मूसा, दानियल, याकूब, इब्राहिम, इसहाक, यशाया, इज़ेकियल, ज़करायाह, ये सारे के सारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक उसी, क्या बोलते हैं, झुंड के हिस्सा है। उसके बाद हमने देखे काले घोड़े, और ये काले घोड़े क्या दर्शाता है, काले घोड़े वो दर्शाते हैं, काले घोड़े ग्रुप वो दर्शाता है जो मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के पद चिन्हों का बपतिस्मा लेते हैं और धूप की चमक से, यानी कि विरोधताओं कलेशों का सामना करने की वजह से ये काले होते हैं। तो ये झुंड जो है, ये है छोटा झुंड, प्रभु की कलीसिया जो दुख सहती है, प्रभु के जैसे जिनको तजुर्बे मिलते हैं जीवन में और अपनी स्वर्गीय उदारता को ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये घोड़े जो हैं किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं। और उत्तर दिशा का मतलब क्या है, स्वर्ग। उत्तर दिशा का मतलब क्या है, स्वर्ग, ये हमने देखा भजन संहिता 75 6 और 7 में, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से ना जंगल, जंगल मानी साउथ, तो बची कौन सी दिशा, नॉर्थ। नॉर्थ से बढ़ती आती है, मतलब किधर से, परमेश्वर से। परमेश्वर किधर रहते हैं, नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। तो इन घोड़ों की डायरेक्शन है उत्तर दिशा, लाल रंग के घोड़ों की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब उनकी उदारता जो ना होगी वो ना प्योरली पृथ्वी की ना प्योरली स्वर्ग की। अभी चलते हैं तीसरे घोड़ों की तरफ। तीसरे घोड़ों का रंग जो, तीसरे रथ में जो घोड़े हैं उसका रंग है जो, वो श्वेत है। पढ़ेंगे वचन जकराया 6:3। तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तो तीसरे रथ में श्वेत और श्वेत घोड़े हैं। अब ये श्वेत घोड़े, ये क्या रंग दर्शाता है? तो श्वेत का मतलब क्या होता है, बाइबल में पढ़ते हैं यशाया 1 अध्याय 18 वचन,
यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो वाइट रंग का मतलब है पापों से शुद्ध की हुई परिस्थिति, क्या पापों से शुद्ध कर दिए, साफ कर दिए हुए परिस्थिति। अब ये कौन झुंड है जिनके पाप साफ किए जाएंगे? पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 14वां वचन। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो कौन है ये? वो लोग जिन्होंने मेमने के लहू में अपने वस्त्रों को श्वेत किया है। तो ये श्वेत घोड़े दर्शाते हैं बड़ी भीड़। कौन? बड़ी भीड़। ये तीसरा झुंड है मनुष्य जाति में से जिनको चुना गया। ये बड़ी भीड़ कौन है? ये बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के वो चेले हैं जिन्होंने समर्पण तो किया, बलिदान की वाचा तो बांधी, लेकिन वफादार नहीं निकले। अपने समर्पण में, अपनी वाचा में वफादार नहीं निकले। ये वो मूर्ख कुवारियां हैं जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:25 में बोला कि इनके पास मशाले तो थी लेकिन तेल नहीं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं मत्ती 25वां अध्याय 2 और 3 वचन। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तो ये 5 जो है कौन? मूर्ख कुंवारियां, ये बड़ी भीड़ है। और बड़ी भीड़ के अंदर क्या कमी थी? उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा की बजाय संसार की आत्मा थी, और संसार की आत्मा में ये दबके डर के पीछे हट जाए गए। संसार की अभिलाषाओं से ज्यादा प्रेम रखा, प्रभु से ज्यादा प्रेम नहीं रखा। संसार में ज्यादा इनको आनंद या खुशी मिली। तो ये वो मूर्ख कुंवारियां हैं जो संसार की आत्मा से भरी रही, पवित्र आत्मा की कमी रही। संसार की आत्मा क्या है प्रभु ही बताएंगे मत्ती 13वां अध्याय 22 वचन। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, परंतु इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। देखिए, ये वह हैं जो वचन तो सुनते हैं लेकिन संसार की चिंता, धन का लोभ की वजह से इनको फलदायक नहीं होने देता। हम में से भी ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। संसार की चिंता, धन का लालच। ये जो क्लास है, ये जो झुंड है बड़ी भीड़, इनके अंदर विश्वास की बहुत बड़ी कमी थी। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं था, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास नहीं था। संसार की आत्मा से अपने आप को भ्रष्ट कर रखा,
पाप में लगे रहे, पाप भी करते रहे, विश्वास भी नहीं दिखाया, सब। मेरे भाई और बहनों, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सब पापी हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास एक जरिया है उनसे, पापों से क्षमा प्राप्त करने का। तो ये बड़ी भीड़ के लोगों के अंदर ये कमियां रहती हैं, पैसा, घमंड, सिनेमा एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना, पार्टी करना, फैमिली प्रॉब्लम्स में दबे रहना, डरना, हाय क्या करूं क्या नहीं करूं, प्रभु ये वो, लोन्स लेके, पढ़ाई, जॉब, सेहत, स्ट्रेस के चक्कर में ये लोग अपना समय जो है सारा बिता देते हैं। तो ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं अपने समर्पण। तो ऐसा इनका व्यवहार रहता है। अगर ये वफादार, अगर ये थोड़ा विश्वास रखें परमेश्वर पर, तो क्षमा भी प्राप्त हो सकती है, सब चीजों का हल हो सकता है। गलतियां हम सब करते हैं, पाप हम सब करते हैं, ठीक है। और अगर हम हर रोज ये फॉलो करें जो प्रेरित योहन्ना ने बोला, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़िए पहला योहन्ना, पहला अध्याय 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मतलब अगर हम अपनी गलतियां मानकर परमेश्वर के सामने जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि यस परमेश्वर हमसे गलती हुई, तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे। लेकिन कन्फेस करना, एक्सेप्ट करना आपकी गलती, बोल के बोलना परमेश्वर हमसे ये गलती हुई है, बहुत जरूरी है। ये आपका पर्सनल है, निजी है, ठीक है जी। तो ये जो बड़ी भीड़ है, इनकी दिशा क्या है? 6वें वचन में देखते हैं, जकर्या 6वां अध्याय 6वां वचन। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े पश्चिम की ओर जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं ये? किधर जाते हैं ये? ये बिल्कुल काले घोड़ों के पीछे पीछे जाते हैं, यानी यानी सेम दिशा में, जिधर काले घोड़े गए उधर ही लाइट घोड़े भी जा रहे हैं। मतलब इनकी दिशा भी कौन सी है? स्वर्ग की है। ये भी किधर जा रहे हैं? स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है तीसरे श्वेत घोड़े, तीसरा रथ। और इनको चिन्हात्मक रूप में भजन संहिता 45:14 में भी बताया गया। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएंगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं वह उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। तो पीछे पीछे चलती हैं ये सहेलियां, दुल्हन के पीछे पीछे जा रही है, तो छोटे झुंड का पीछा करती हुई बड़ी भी। और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 7:9 में भी बताया गया।
इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। तो ये बड़ी भीड़ की तस्वीर है। तो तीसरे जो रथ में है घोड़े, बड़ी भीड़। चौथे घोड़े, इसके बारे में पढ़ते हैं जकरिया छठा अध्याय दो वचन। चौथे रथ में जो दो तरह के घोड़े हैं, सॉरी पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले। पहले आगे 6-4 है क्या? तीसरे रथ में और चौथे रथ में? जी हाँ, चौथे रथ में 6 या 3 में, चौथे रथ में चितकबरे और बादामी, ठीक है, चितकबरे और बादामी घोड़े। तो ये चितकबरे और ये बादामी, दो तरह के घोड़े हैं, दो चितकबरे हैं, दो बादामी। अब इनका मतलब क्या है? ये दो झुंडों के बारे में बात कर रहा है। ये जो चौथे ग्रुप में दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग, एक है चितकबरे, दूसरा है बादामी। तो ये चितकबरे और बादामी का जो इंग्लिश शब्द है वो है ग्रिसल्ड एंड बी। तो ग्रिसल्ड का मतलब होता है जो आपने इधर डाला नहीं है, स्पॉटेड, स्पॉटेड। तो ये जो बादामी घोड़े हैं, ये मनुष्य जाति में, मतलब ये है जीवित की हुई मनुष्य जाति जो अभी भी असंपूर्णता की स्थिति में है। इन पर अभी भी पाप के धब्बे हैं, ये अभी भी पाप से छूटे नहीं है। और दूसरे हैं बादामी। बादामी शब्द जो है वो एमतोस, ठीक है, अमोट्स सॉरी, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कलर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कलर मतलब जिद्दी, जिद्दी और न सुधरने वाले। तो ये वो मनुष्य जाति में से वो झुंड है जिनका पुनरुत्थान तो हो जाएगा, लेकिन वो धार्मिकता के रास्ते का विरोध करेंगे, मतलब धार्मिकता पसंद नहीं करेंगे। और इनके विषय में बताया गया है यशाया 26:10, पढ़िए यशाया 26:10। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। जी, तो ये वो झुंड है जो नहीं सुधरेगा। मनुष्य जाति में से जो पुनरुत्थान पाकर भी धार्मिकता नहीं सीखेंगे, नहीं सुधरेंगे, दूसरी मृत्यु में जाएंगे। तो इनको दर्शाया गया है वो घोड़े जो क्या बोलते हैं, चितकबरे जा बादामी घोड़ों में से। तो मतलब वो दो रंग के घोड़े जो बादामी और चितकबरी है, वो है दर्शाता है एक झुंड जो जो जीवित होके असंपूर्ण परिस्थिति में रहेगा
और सुधर कर जीवन प्राप्त करेगा, और दूसरा जुन जो सुधरेगा भी नहीं, जो सुधरेगा ही नहीं। ठीक है, और आगे क्या पढ़ते हैं, जकरिया 6 अध्याय 7 वचन। और बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें, अतः दूत ने कहा जाकर पृथ्वी पर फेरा करो, तब वह पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तो ये बादामी घोड़े में घोड़ों का कैरेक्टर क्या है? पृथ्वी पर फेरा करना। ये पृथ्वी पर फेरा करने का कैरेक्टर किसका है? वचन में पढ़ते हैं अय्यूब 1 अध्याय 7 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। तो शैतान का कैरेक्टर क्या है? वही कैरेक्टर जो बादामी घोड़ों में पाया गया। तो ये बादामी घोड़ों का कैरेक्टर है शैतान का कैरेक्टर, अल्टीमेटली मृत्यु में जाने वाला कैरेक्टर, नाश होने वाला कैरेक्टर, दूसरी मौत में जाने वाला कैरेक्टर। ठीक है, और जो चितकबरे घोड़े हैं वो किधर किधर को जा रहे हैं? चितकबरे घोड़े जो हैं, अब देखो उस चौथे रथ में दो तरह के घोड़े हैं, एक बादामी और एक चितकबरे। बादामी किसी दिशा की ओर नहीं जा रहे, चितकबरे जा रहे हैं किधर? दक्षिण की ओर। और दक्षिण क्या दर्शाता है? पृथ्वी। दक्षिण क्या दर्शाता है? पृथ्वी। और ये जो बादामी घोड़े हैं जिनका कैरेक्टर शैतान का कैरेक्टर है, जो धार्मिकता का विरोध करते हैं, ये किधर जाएंगे? मत्ती 25वां अध्याय 41 वचन और 46 वचन। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो ये है इनकी जजमेंट, प्रभु इनको रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे उस न्याय में, उस पनिशमेंट में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए है, क्योंकि इनका कैरेक्टर शैतान का। ठीक है, और यही चीज हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8 वचन में। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। जी, तो ये दूसरी मृत्यु में जाने वाले लोग होंगे। तो प्यारे भाई भाइयों और बहनों, इस क्या बोलते हैं, इस दर्शन में एक्चुअल में वही चीज दिखाई गई है जो हमने वो देखी थी, अदन की वाटिका में से निकलती 4 नदियां, 4 ग्रुप मनुष्य जाति में से, 4 ग्रुप। एक बुजुर्ग जो न स्वर्ग की न पृथ्वी की बल्कि उत्तम उदारता प्राप्त करेंगे, ब्लैक घोड़े कलीसिया, लाल घोड़े सॉरी व्हाइट घोड़े बड़ी भीड़, और चौथे रथ में दो तरह के घोड़े, बादामी घोड़े शैतान का कैरेक्टर, दूसरी मृत्यु में जाने वाला झुंड, चितकबरे घोड़े वफादार मनुष्य जाति जो परमेश्वर की टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार करके जीवन प्राप्त करेगी, किधर आशीष प्राप्त करेगी? साउथ की ओर, दक्षिण की ओर, पृथ्वी पे। ठीक है, और जो उत्तर दिशा की ओर जाने वाले घोड़े हैं उनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, पढ़िए जकरिया 6 अध्याय 8 वचन। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख
वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं, उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। उत्तर दिशा की ओर जाने वालों वाले ग्रुप से परमेश्वर बहुत प्रसन्न और खुश होते हैं। तो बाकी भी है थोड़ा डिटेल्स, वो आप अपनी खुद की पढ़ाई से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो मतलब है इस दर्शन का यही है। और इसी के साथ लेसन नंबर 40 हम दरी समाप्त करते हैं। दोबारा से रिवाइज करिए, खुद से पढ़िए, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। पिता परमेश्वर ही आप सबको आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।